हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी टाइम हो गई है 8:30 AM और बाहर अभी तक कोहरा छाई हुई है। मुझे ना फिर से ठंड लग गई। बिस्तर का हालत देखिए। आज ना हम दोनों एक साथ सोए थे, मैं और साइमा, तो मैंने अभी तक बेड साफ नहीं की। आंगन में झाड़ू लगा दी, घर में झाड़ू लगा दी, अभी बेड साफ करने हैं। और मैं उधर एडिटिंग कर रही थी। ये रही लैपटॉप और वो है कीबोर्ड। उधर ना थोड़ी खाली जगह है तो उधर मैं वो ब्लैंकेट रख दी जिससे कि लैपटॉप गिर ना जाए। साइमा चली गई है, उसको कहीं शादी पे जाना है। ये वाले रूम में ना लाइट थोड़ी कम है तो अच्छे से वीडियो शूट नहीं हो रही। अभी ये सारे मैं साफ कर लूँगी। साफ करने के बाद कॉफ़ी पी के ट्यूशन ही करने जाऊँगी, फिर आगे के ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज ब्लॉग। इतनी ठंड है ना, अभी पानी पीने में भी तकलीफ हो रही है। गला खराब हो गई मेरी। अभी मैं बाहर जाऊंगी। बाहर जाके कोको ना उधर उल्टी करके रखा तो साफ करूंगी। कल रात को उसको चावल के साथ दूध दी थी, वो भी खाया। फिर मैंने चिकन के साथ फिर से चावल दे दी तो उसको एसिडिटी हो गई, तो साफ करूंगी। ये है कोको का ब्रेकफास्ट। इसमें है परमल, चाय या कॉफ़ी मुझे नहीं पता, मम्मी मिला के दिए है, और बिस्किट। कोको ब्रेकफास्ट करेगा कोको। मम्मी यह खाना पका रहे हैं। मम्मी ना आज बिरयानी बनाएंगे। ये चिकन लेग पीस है। हमारे ना ये वाली किचन थोड़ी गंदी है। घर में जो किचन है वो कभी अच्छी है, तो मम्मी बोलते तो ये वाली किचन में दिखाया कर। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ हम लोग जैसे वैसे ही दिखाएंगे, स्वैप करने की क्या जरूरत है ना। टाइम हो गया अराउंड 11:45 AM और मैं ट्यूशन करके अभी अभी वापस आई। आज ना एक इंसिडेंट हुई है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं जिन लोगों का ट्यूशन करने जाती हूँ ना, मतलब जिस बच्चे को मैं पढ़ाती हूँ उसकी मम्मी को मैं मामी जी कहकर बुलाती हूँ, तो मामी जी ना दिल के बहुत ही अच्छे हैं। उन लोगों के घर कोई भी जाते हैं ना, सबको मामी जी कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं और सबसे बहुत ही बातें करते हैं। तो मामी जी आज बिरयानी पकाए तो उन्होंने मुझे ना बहुत सारी बिरयानी पार्सल करके दिए और बताया कि तुम घर लेके जाओ, घर जाके खा लेना। लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मम्मी भी आज बिरयानी पकाए, तो मैंने उनको बताई कि मम्मी भी आज बिरयानी पका रहे तो मैं नहीं ले सकती। वो क्या सोचेंगे है ना, वो मुझे हर रोज कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। मैं हर रोज लूंगी तो सोचेंगे कितनी लालची है और मुझे भी ऑड ऑड सी फील होती है, तो मैंने नहीं ली। अभी मैं साइमा के घर जाऊंगी क्योंकि साइमा, उसकी मम्मी, उसकी बहन और सब लोग मतलब रेडी होके बैठे हुए हैं। वो लोग शादी में जाएंगे ना तो फोटो खींचेंगे। हमारे यहाँ एक सरसों के खेती है तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक दिन तैयार होकर उधर जाऊंगी और फोटो खींचूंगी, लेकिन मैं अभी कहीं पे नहीं जा रही, तो वो लोग जा रहे हैं तो उन लोगों को ही फोटो खींच के दूंगी। ये देखिए गाइस, ये ना सरसों के खेती है, इतनी प्यारी है ना। यहाँ हम लोग फोटो शूट करने के लिए आए हैं। ये है साइमा और ये रही समीना। ये दोनों अभी शादी में जाएगी ना, तो मैंने कही कि पहले फोटो खींच लेती हूँ। साइमा अंदर जा रही है। समीना भी उधर खड़ी हुई है। पहले साइमा की फोटो खींचूंगी फिर समीना की। हमारे फोटो सेशन ख़त्म हो गई और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। मैं भी एक दिन आऊँगी इधर, सज धज के आऊँगी फिर फ़ोटो खींचूँगी। मैंने ये आइडिया निकाली कि चलो सरसों के खेती में जाके फ़ोटो खींचेंगे। उधर एक तालाब है और उधर रोड है। फ़ोटो खींचते खींचते ना मुझे भी भूख लग गई, तो अभी नहा धो के लंच करूँगी। आजकल ना कुछ ज़्यादा ही ठंड है। अच्छी बात यह है कि जिन लोगों की खेती है ना, उन लोगों ने हम लोगों को कुछ नहीं बताया। वैसे भी हम लोगों ने एक भी पौधा खराब नहीं किया, सच में। ये है आज के लंच। मेरे मम्मी ना बहुत अच्छे बिरयानी बनाते हैं, दुकान से भी ज्यादा अच्छे बिरयानी बनाते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। टाइम हो गई है 5:43 PM और साइमा लौट आई है शादी के वहां से, उसके साथ उसकी फ्रेंड भी आई है। मैं आप लोगों को मेरी शूज दिखाती हूँ। ये शूज की ना मैं पहले से ही अनबॉक्सिंग कर ली थी। इसके प्राइस है 399। चलिए मैं खोल के दिखाती हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ऐसे शूज खरीदूंगी। रुकिए, पहले मैं फोन को कहीं पे रखती हूँ।
ये देखिए मेरी ना 7 साइज की शूज लगती है, तो ये 7 साइज की है। ये रही जीप, और यहाँ कर्टन दिया हुआ है। अच्छी है ना, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ऐसे शूज खरीदूंगी एंड फाइनली खरीद लिया। देखिए गाइस, ये जूते मैंने पहन लिया। अगर आप केपड़ी या फिर बॉडीकन ड्रेस के साथ ये पहनेंगे ना तो बहुत ही कूल लगेंगे। तो मैं शूज को वापस रख देती हूँ पैक करके, फिर आप लोगों से बात करूंगी। अभी मैक को खाना भी देना है। हम लोग लूडो खेल रहे थे और साइमा को देखिए, वो इतने हेल्थ कॉन्शियस है ना, घर में भी मास्क लगा के बैठी है। खोल दिए। रात काफी हो गई है और हम लोगों ने डिनर भी कर लिए। आज मम्मी जो बिरयानी बनाए थे ना, वही थोड़ी बच गई थी, वही हम लोगों ने गर्म करके खा लिए। मतलब मैं, मम्मी और साइमा। साइमा भी सो गई है, कुछ देर पहले तो मूवी दिख रही थी, अभी शायद सो गई है। मैं रात को ना ये टोपी पहन के सोती हूँ, इसे थोड़ी नीचे कर लेती हूँ इधर तक, फॉरहेड तक, इससे ठंड नहीं लगती और सर दर्द भी नहीं होती। साइमा आज इधर ही सोएगी, क्योंकि वो तो उसके दादी जी के साथ सोती है ना, उसके दादी जी भी शादी में गए हैं, तो वो इधर ही रुकेगी। और मुझे अभी सॉरी इधर से दिखाती हूँ, मुझे अभी एडिटिंग करनी है। मैं इधर ही लैपटॉप को रख दी, तो मैं एडिटिंग करके सो जाऊंगी। आज के वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।